आप सभी का स्वागत है ईआईएस प्रिस्क्रिप्शन में और आप लोगों को बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी के लिए की जो फॉर्म है वो आ चुकी है। आप लोग आज से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए टोटल जो वैकेंसीज आई हुई है, मेल के लिए कितनी पोस्ट है, फीमेल के लिए कितनी पोस्ट है, इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है, तो सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। पूरी जो पीडीएफ फाइल है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कि इंपॉर्टेंट डेट है वो सारी बातें यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोगों के जो फॉर्म है वो आज से स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग आज से अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 17 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो कि लास्ट डेट जो कि फीस पेमेंट की होगी, आप लोग 2/9/2021 तक, यानी कि 2 सितंबर 2021 तक जो आप लोग लास्ट डेट है, वहां तक आप फीस के पेमेंट को कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे वो सीबीटी होंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम, तभी उसको लेकर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। साथ ही यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रखे गए हैं, बाकी एससी एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल को कोई भी पैसा नहीं देना, यानी कि आप लोग इस फॉर्म को फ्री में अप्लाई कर सकती हैं। इसके साथ ही अगर एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम एज आप लोगों की 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल आप लोगों के लिए होनी चाहिए। और जो भी एज रिलेक्शन को लेकर जो कि फॉर्म अप्लाई में जो भी रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से आप लोगों को छूट दिया जाता है, तो इस फॉर्म में भी आप लोगों को मिलेगा, जाहिर सी बात है। इसके साथ ही अगर वैकेंसी डिटेल्स देखी जाए तो जहाँ पे टोटल 25,271 जो पोस्ट हैं वो लाए गए हैं, मेल के लिए 22,424 पोस्ट है, तो वहीं पे फीमेल के लिए 2,847 पोस्ट आप लोगों के लिए लाए गए हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, सिर्फ आप लोगों को क्लास 10th पास होना चाहिए, आप किसी भी बोर्ड से आप पास हो, आप इंडिया के हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एसएससी कांस्टेबल जनरल जो कि ड्यूटी, जो कि हम लोग जीडी बोलते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों के अलग अलग फोर्सेज में जो कि टोटल पोस्ट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बीएसएफ में 7,545 पोस्ट है। तो इस तरह से अलग अलग फोर्सेज में पूरी जो आप लोगों को पोस्ट है वो दिख जाएगी। आप पूरे इंडिया में किसी भी बोर्ड से आपने पास किया हाई स्कूल तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बीएसएफ में मेल के लिए कितनी सीटें होंगी, फीमेल के लिए कितनी पोस्ट हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, यानी कि यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग पूरी जो पीडीएफ फाइल है वो आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। इसके साथ ही आप लोगों के लिए जो भी हर परीक्षाओं के लिए जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो सारी चीज़ें टेलीग्राम पे शेयर की जाती हैं, तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम को तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कि फिजिकल एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले मेल में जनरल की ओबीसी और एससी का देख लेते हैं। तो हाइट में आप लोगों की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मेल में अगर एसटी है तो आपकी 165 सेंटीमीटर भी चलेगा, फीमेल में जनरल ओबीसी एससी के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं पे फीमेल एसटी में 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सारी बातें हैं वो आप लोगों के लिए बताई गई हैं। तो आप लोगों को जो फॉर्म है वो आप लोग आज से अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी आप लोगों की मतलब एलिजिबिलिटी है, आईडी प्रूफ है, एड्रेस डिटेल है, बेसिक डिटेल है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को अप्लाई करनी होगी। साथ में आप लोगों को फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट को स्कैन करवा के आप लोगों को अपलोड करनी होगी। तो इस तरह से आप लोग सबसे पहले तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार उसको प्रीव्यू में चेक कर लीजिएगा, उसके बाद से फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद जो फाइनल जो प्रिंट आउट होगी वो अपने पास रख लीजिएगा। तो बाकी आप लोगों की जो फॉर्म है वो आ चुकी है, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमने आप लोगों को बता दी है, पूरी जो पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी और जो जानकारी आएगी वो आप लोगों को देते रहेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें।